Okay, you can start, beta. Thumb rule for life: always remember Krishna, never forget Krishna. हमें कृष्णा को हमेशा याद रखना चाहिए, कृष्णा को कभी नहीं भूलना चाहिए. Yes, in everything we do, any activity that we do, we should remember Krishna. और आज का जो हमारा श्लोक है, it's very interesting. It is related to this only. कि जब हम कृष्णा को हमेशा याद नहीं रखते हैं, तो क्या होता है? So what kind of activity does it becomes? Yes, Mataji, अगर हम झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, अगर हम खाना बनाए, हम कुछ भी करें, हमें कृष्णा को याद करना चाहिए. yes. और अगर हम कृष्णा को याद करके सारे काम करेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे. हाँ, yes. माता जी, मैंने कृष्ण जी को याद करने का एक और नया तरीका सोचा है. हाँ, बताओ बताओ. हिंदी में मैम पत्र वगैरह लिखवाती है हमें, जैसे एग्जांपल्स के लिए, तो उसमें हमें नेम्स यूज करने होते हैं, तो हम उसमें कृष्ण बलराम जी ऐसे नेम्स. हाँ, यस, कृष्ण बलराम माधव केशव गोपाल गोविंद ऐसे नाम यूज कर सकते हैं. यस, परफेक्ट. इनफैक्ट आई विल टेल यू, एक बार ना विदित को क्या करना था, विदित को स्कूल से असाइनमेंट मिला था कि उसको कोई भी स्टोरी बुक, जैसे घर में कोई भी स्टोरी बुक पढ़कर उस स्टोरी बुक की किसी भी कैरेक्टर के बारे में रोल प्ले करना था. तो व्हाट ही डिड वाज कि ही डिड अ रोल प्ले ऑन श्रीमद् भागवतम. सो ही बिकेम सूता गोस्वामी एंड देन ही डिड अ रोल प्ले. और एक बार क्या था, उसका ना मैथ्स का कॉम्पिटिशन था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था मैथ्स का. उसमें बेसिकली इट वॉज लाइक अ ट्रेजर हंट, दे विल गिव यू हिंट्स कि दिस इज अ राउंड राउंड थिंग. तो आपको उस हिंट से रिलेटेड चीजें लेकर आनी थी, एनीथिंग विच इज ऑफ ब्लू कलर. तो वट ही डिड वॉज ही बॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कृष्णा कॉन्शियस. सो ब्लू कलर में ही बॉट दिस बीड बैग, और एक राउंड में वी हैव अ ग्लोब ग्लोब ऐसे करके. और उसके बाद देन उसके सारी जो ट्रेजर हंट के बारे में जितनी सारी चीजें आप लेकर आए, एक फ्लैट सर्विस था, फ्लैट सर्विस बुक्स का होता है ना, तो बुक्स बुक ले लिया, श्रीमद भागवतम की बुक ले ली. एंड देन ही दे वर सपोज टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, कि जितने आपने अपने ट्रेजर हंट में इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट कर लिए, अब आपको इसकी स्मरण में स्टोरी बनानी है. तो इन दैट स्टोरी ऑल्सो ही मेड अ स्टोरी ऑफ ऑफ सूता गोस्वामी एंड देन ही वन सेकंड प्राइज. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम कुछ भी करते हैं ना, हमारी नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी भी होती है ना जो स्कूल की, उसमें भी हम कृष्णा को इंक्लूड कर सकते हैं एंड कृष्णा के डिवोटीज को इंक्लूड कर सकते हैं. यस माता जी. माता जी, कैन आई स्टार्ट? हाँ, यस बेटा, यस यस, प्लीज गो अहेड. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सर्वदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिताश्रुविशाखान्त च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया. जय श्री कृष्णा. ओ सॉरी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. थैंक यू सो मच भव्य माताजी. भव्य माताजी की जय. थैंक यू सो मच माताजी फॉर डूइंग मंगलाचरण फॉर अस. थैंक यू माताजी. वेलकम.
So we have Bhagavatam Press. So who wants to do Bhagavatam Press? Aditi Mataji, you want to do? Go ahead. Ha, sure, beta, sure. Go ahead. Sure, Aditi Mataji, go ahead. माता जी ये वाला जो श्लोक ओम नमो भागवत है वो हम कितनी बार बोलते हैं? ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोकी भक्ते भक्ति नैष्टिकी Hari bol, Hari 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 bol. Thank you so much, Aditi Mataji, for doing Bhagavatam prayers for us. A big, big, big Hari bol for Aditi Mataji. Thank you. Aditi Mataji ki jai. Jai, jai. Hare Krishna, Randi Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. How are you? Wish you a very, very happy Krishna conscious new year. Same to you, Mataji. Thank you. आप video on करो ना हम आपको देखेंगे. It will be very nice to see you. If you can, if possible. Mataji, actually I am logging in from my laptop. Oh, उसका video नहीं चल रहा ना? अच्छा कोई बात नहीं. ठीक है. Okay, so before we go on to today's shloka, do we want to quickly revise last, जो हमने last shloka करा था this week, 1.2.7, एक बार उसको revise कर ले? Yes, Mataji. Okay. Yes, Mataji. Has anybody remembered? ये हम इकट्ठे करें? किसने याद करा है? Mataji, मुझे से first line याद है. हाँ, ठीक है. Okay. फिर इकट्ठे करते हैं, ठीक है? Mataji. Okay. तो हमने last श्लोक में क्या करा था? कि if we think of Lord, जब आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में devotion काम करते हैं, devotional service करते हैं, when we always remember Krishna and never forget Krishna, तो हमारे क्या दो चीजें दूर हो जाती है, एक तो ignorance दूर हो जाती है और हमें मिलती है knowledge, और secondly हमारी material attachment दूर हो जाती है, तो we get detached, materially detached. Materially detached होने का मतलब ये नहीं कि हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है, we have desire, but we have desire for everyone, not only for ourselves. कि हमारे पास हमें अपने लिए नहीं है, we instead becoming self-centered, we become Krishna-centered. Okay. So let's do. Okay. Vasudeve Bhagavati. Vasudeve Bhagavati. Bhakti Yoga Prayojita. Bhakti Yoga Prayojita. जन्यत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् च यदहेतुकम् मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे याद करा मेरे को तो बहुत ही मुश्किल होती है श्लोक याद करने के लिए सो हाउ आई रिमेम्बर्ड वाज फर्स्ट टू वर्ड्स वाज वासुदेवे भगवती तो ये पूरे इस फर्स्ट टू वर्ड्स का मतलब ही भगवान द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज वासुदेव सो वासुदेव वासुदेवे भगवती तो ये हो गया याद अब नेक्स्ट था भक्ति योग हमने पढ़ा था ना भगवत गीता में तो भक्ति योग और प्रयोजित यानी प्रयोग में लाना यानी किसी चीज को प्रयोग में लेकर आए तो भक्ति योग को प्रयोग में लाना भक्ति योग प्रयोजित ठीक है तो फर्स्ट लाइन हो गई वासुदेवे भगवती यानी वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित ठीक है भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति की योग को प्रयोजन में लाना तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ओके आगे जन्यत्याशु वैराग्यम सो जन्यत्याशु वैराग्यम तो उसे वैराग्य आ जाता है डिटैचमेंट वैराग्य ऐसे बोलते हैं वो वैरागी है ऐसे बोलते हैं ना वो वैरागी सो जन्यत्याशु वैराग्यम
और इसे क्या आता है, ज्ञान, ज्ञान आता है, तो ज्ञानम च यद अहेतुकम, अहेतुकम मतलब कि कॉजलेसली, यानी कि अकारण ही, मतलब कि वी डोंट डिजर्व इट, फिर भी बिना विद कॉज, इट लाइक विदाउट एनी रीजन वी गेट ज्ञान एंड वी गेट डिटैच्ड. So, ज्ञानम च यद अहेतुकम, ज्ञानम च यद अहेतुकम. हाँ, so इसको श्लोक को अगर आप लिखोगे उसके बाद ऐसे ऐसे याद करोगे लॉजिकली, फर्स्ट लाइन क्या था, वासुदेव भगवती, फिर था भक्ति योग प्रयोजित, क्योंकि प्रयोजन में लाना है, भक्ति योग प्रयोजित, फिर क्या था, जनयत वैराग था, तो जनयत याशु वैराग्यम, उसके बाद क्या था, ज्ञान मिलेगा हमें, ज्ञानम च यद अहेतुकम, मतलब कॉजलेस, ऐसे कर यू कैन रिमेम्बर. ठीक है, सो आई जनरली रिमेम्बर लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडे श्लोका. आज श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है. सो अगेन बिफोर वी स्टार्ट विद द श्लोका, वी विल लुक एट सर्टेन पिक्चर्स. ओके, सो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है माता जी? इस पिक्चर में एक डंकी है, गधा. हाँ, उसने बहुत सारा सामान है, बोझा है बहुत सारा, है ना. और इसकी शक्ल को देख कर क्या लग रहा है, इज ही वेरी हैप्पी, ये ये ये. ओ दुखी है, दुखी है ना. दो दो चेहरे हैं, ये वाला कैसे दिख रहा है, ये ऐसे गुस्से में दिख रहा है कि बस इतना सारा उनको बोझा मेरे ऊपर डाल दिया. और ये वाला कैसे दिख रहा है, तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है कि ओहो, और ये तक गुस्से में क्या है, सारा सारा बोझा मेरे ऊपर डाल दिया, है ना. अच्छा ठीक है, तो हाँ, यस श्रेया माता जी, यस यस, नाउ यू ऑडिबल, यस बेटा, यस. ओके, सो अब नाउ टेल मी, अब अगर हम इस गधे से पूछें कि हाउ आर यू फीलिंग, इतना सारा बोझ लगा अपने ऊपर रखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा? वो बहुत थका हुआ लग रहा था, अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है. हाँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. राइट, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, है ना, ऐसे बोलेगा ना. यस माता जी. ठीक है, एक और हम नेक्स्ट एक और पिक्चर देखते हैं, उसको पिक्चर को देखकर बताओ कि उससे क्या पता चल रहा है. वो माता जी, इस लड़की का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, उसने बुक फेंक दी सारी. ऐसा लग रहा है कि वो बहुत देर से पढ़ रही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा और गुस्से में इसने बुक फेंक दी. हाँ, और इतनी सारी मोटी मोटी बुक्स है, हो गया बहुत, हो गया बस. ये समझ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और गुस्से में सारी के सारी, है ना. अच्छा, एक और देखते हैं. ठीक है, ये ऑफिस का काम करते सो गया. हाँ, सो गया. और उसका काम खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा है? जी बढ़ रहा है. इतने सारे पेपर्स है ना उसके टेबल पे, और नीचे कितने सारे गिरे हुए, और करते करते ऐसे लग रहा है शेव भी नहीं करी, तर भी नीचे हो रहा है, दाढ़ी करने का, शेव करने का टाइम भी नहीं मिला, मुंह भी खुला, नींद में काम हो रहा है ना. यस रणदीप प्रभु जी, ऐसा हो रहा है ना. ओके, एक और पिक्चर देखते हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो कपड़े भी सुखा रही है, खाना भी बना रही है, पैरों से सारे और उसके चार हाथ हैं, कितने सारे हाथ हैं. राइट, खाना भी बना रही है, एक हाथ से कपड़े सुखा रही है, एक हाथ से खाना बना रही है, एक हाथ से डस्टिंग कर रही है, एक हाथ से अपने बच्चे को खाना खिला रही है, एक हाथ से झाड़ू लगा रही है, बहुत सारे काम कर रही है. यस यस, दैट्स राइट, यस. हाँ, यस श्रेया माता जी, यस अदिति माता जी, परफेक्ट. एंड इज हाउ इज शी लुकिंग, मतलब उसको देखने से कैसे पता चल रहा है? हमने देखा कि तीन फेजेस ऑफ लाइफ की, कोई पढ़ाई कर रहा है तभी इतना बर्डन है पढ़ाई से, काम का भी इतना बर्डन लग रहा है, घर के काम का भी इतना बर्डन है, ऑफिस के काम का भी इतना बर्डन है. सो ऑल ऑफ this, all of the work which we do, which feels like burden, and when we are not happy, makes us feel, makes us this. यानी हम जब कोई काम करते हैं जो बहुत burden होता है, जो हमें खुशी नहीं देता, वो हमें ये feel कराता है. क्या feel कराता है? That we are humans with a
फेस ऑफ अ डोंकी, बोलते हैं ना गधे की तरह काम कर रहा है, ऐसे कहा इज अ सेइंग ना कि तो गधे की तरह काम करवाते हैं ऑफिस वाले, तो इतना काम कराते हैं बिल्कुल गधों की तरह काम कराते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, है ना? यस माता जी, माता जी हम गुलाब प्रभु जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये जो हम पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं कह रहा कि मैं तुम पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो हाँ. पर इतना पढ़ाई करो कि तुम दो वक्त की रोटी खा सको. हाँ राइट राइट. और इस, और जो वो कहते हैं उस वही श्लोक हम आज करने वाले हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज ही ट्राइंग टू से. वो ये नहीं कहते पढ़ाई मत करो, पर वो ये कहते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा. सो आज का हमारा श्लोक यही है कि जब हमारी एक्टिविटीज में, हमारी डेली एक्टिविटी में कृष्णा नहीं होते, माइनस कृष्णा होते हैं, तो फिर हमारे हाल ये हो जाता है कि वी जस्ट मैन विद द हेड ऑफ अ डोंकी, वेयर इन वेयर वी विल ऑलवेज डिसटिस्फाइड. लेकिन जब हम अपने नॉर्मल एक्टिविटी में, पढ़ाई में, ऑफिस के काम में, घर के काम में, जब हम कृष्णा को ऐड कर लेते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स अस रियली हैप्पी. सो इसमें लिखा है कि कोई भी काम, सो ओके लेट्स लुक एट, लेट्स पहले हम वो करते हैं शब्दार्थ करते हैं, उसके बाद फिर हम श्लोका करेंगे, ठीक है? सो हु वांट्स टू डू हिंदी शब्दार्थ, कौन करेगा? श्रेया माता जी आप करोगे? यस माता जी. अदिति माता जी आप वो कर लेना, मीनिंग हिंदी मीनिंग पढ़ लेना, ठीक है? इज इट फाइन? थैंक यू. ओके यस श्रेया माता जी, गो अहेड, हम आपके पीछे रिपीट करेंगे. सो ऑल ऑफ अस कैन रिपीट आफ्टर श्रेया माता जी, अनम्यूट कर कर. ओके माता जी. हाँ यस. धर्म वृत्ति माता जी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. हाँ थोड़ी सी धीरे आ रही है बेटा. हाँ सॉरी, एक बार दोबारा बोलना बेटा. स्वानुष्ठितः अपने पद के अनुसार संपन्न. स्वानुष्ठितः अपने पद के अनुसार संपन्न. पुंसाम मनुष्यों का, मनुष्यों का विश्व कसीन, विश्व अंश की. हाँ विश्व सेन भगवान पूर्ण अंश की. कथासु कथा में यह जो है, यह जो है न नहीं, न नहीं उत्पाद्य उत्पन्न करता है, यदि 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 रतिम आसक्ति आसक्ति श्रम नरा नरा एव निरा एव निरा ही निश्चित ही केवलम पूर्ण रूप से. परफेक्ट, हरी बोल. थैंक यू सो मच श्री माता जी. अदिति माता जी आप इसका मीनिंग पढ़ोगे हिंदी में? यस माता जी. शिवा मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न करें कर सके तो वे निरीव्यर्थ का क्षम होता है. हाँ हरी बोल. थैंक यू सो मच अदिति माता जी. हाँ जी बेटा. यस इफ यू डोंट माइंड कैन आई रीड दिस श्लोका, श्लोका और मीनिंग माता जी? श्लोका हाँ, श्लोका विल डू, विल डू. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द श्लोका, राइट? बिकॉज़ हम श्लोक द डिजायर टू लर्न अ श्लोका विल कम ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग, द डेप्थ ऑफ द मीनिंग ऑफ द श्लोका, ठीक है? यस माता जी. हाँ सो हियर इट इज सेड कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, वृत्तियां मीन्स एक्टिविटीज और ड्यूटीज, अपने पद के अनुसार यानी कि व्हेन वी आर चिल्ड्रन तो हमारी ड्यूटी क्या होती है, हमारी एक्टिविटीज क्या होती है? स्टडीज. जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हमारी एक्टिविटीज क्या होती है? तो हम जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, या हम घर का काम करते हैं तो घर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है. सो हमारे पद के जोर, फॉर एग्जाम्पल रणदीप प्रभु स्कूल जाते हैं, रणदीप प्रभु जी की ड्यूटी क्या है? रणदीप प्रभु जी आपका ड्यूटी क्या है स्कूल जाकर, क्या करोगे आप?
क्लास लेना, हाँ पढ़ाई करना, यस क्लास अटेंड करना, हरी बोल, यस। सो ऐसे ही हमारी कोई भी एक्टिविटी अगर भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करती तो वो सारी एक्टिविटी सिर्फ इट बिकम्स ओनली श्रम, इट बिकम्स जस्ट लेबर, जस्ट लाइक अ डोंकी। ठीक है, तो इसको हम एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड देन इट विल बी मोर क्लियर। सो भव्य माता जी, आप इंग्लिश में इसका शब्दार्थ पढ़ोगे? यस श्योर माता जी। हाँ श्योर। धर्मः ऑक्यूपेशन, धर्मः ऑक्यूपेशन, स्वनुष्ठितः एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वंस ओन पोजीशन, स्वनुष्ठितः एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वंस ओन पोजीशन, पुंसाम ऑफ ह्यूमन काइंड, पुंसाम ऑफ ह्यूमन काइंड, विश्व विश्वकसेना द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड प्लेनरी पोर्शन, विश्वकसेना द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड प्लेनरी पोर्शन, कथासु इन द मैसेज ऑफ, कथासु इन द मैसेज ऑफ, यह व्हाट इज, यह व्हाट इज, यह व्हाट इज, ना नॉट, ना नॉट, उत्पादित दस प्रोड्यूस, उत्पादित दस प्रोड्यूस, यदि इफ, यदि इफ, रतिम अट्रैक्शन, रतिम अट्रैक्शन, श्रमः यूजलेस लेबर, श्रमः यूजलेस लेबर, एव ओनली, सर्टेनली, He certainly. Kevalam entirely. Kevalam entirely. Hey bol. Thank you so much, Bhavya Mataji. Randeep Prabhuji, आप इसका English में meaning पढ़ोगे? Yes, Mataji. The occupation activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. Hari bol. Thank you so much, Randi Prabhuji. Yes, Aditi Mataji, better you want to say something? Yes, Mataji, sorry for... Hare Krishna Aditi Mataji, how are you? No, that's okay, that's completely okay. How are you? कैसे हो आप अदिति माता जी? फाइन माता जी। हरी बोल। अभी हमने श्लोक पढ़ना शुरू नहीं करा, वी वर जस्ट ट्राइंग टू रीड द मीनिंग, उसके बाद हम श्लोक लर्न करेंगे, ठीक है? सो यू जस्ट ऑन टाइम, ओके? सो आज का जो हम श्लोक कर रहे हैं उसमें श्रील सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं कि एनी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी अ मैन और अ वुमन दैट परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशन इज अ यूजलेस लेबर, वो बेकार का लेबर है अगर वो हमें भगवान के प्रति हमारी अट्रैक्शन को इंक्रीज नहीं करता, ठीक है? सो वी लर्न द श्लोका टुडे। भव्य माता जी, यू वॉन्टेड टू रीड द श्लोका फर्स्ट? हरे कृष्ण भव्य माता जी, आप पढ़ना चाहते थे पहले श्लोका को? हाँ, go ahead, read, then we'll learn the श्लोका। हाँ। धर्मः स्वनुष्ठितः, सॉरी, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः निपादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। हरि बोल, वेरी नाइस, परफेक्टली रिसाइटेड, परफेक्ट। हरि 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 बोल। सो अभी हम पहले फर्स्ट वेलकम, पहले हम इसको लर्न करेंगे एक बार, इसको इकट्ठे रिसाइट करेंगे, फिर हम एक एक करके दोबारा करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट लाइन करेंगे, धर्मः, धर्मः, स्व, स्व, नुष्टितः, नुष्टितः, पुंसाम, पुंसाम, धर्मः स्वनुष्टितः पुंसाम, धर्मः स्वनुष्टितः पुंसाम, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम,
धर्मः अनुष्ठितः पुंसाम्। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम्। ओके, एक लास्ट पेयर करते हैं क्योंकि ये श्लोक इसमें वर्ड ज्यादा है। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम्। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम्। परफेक्ट। अब इस फर्स्ट लाइन का सेकंड पार्ट करेंगे। विश्वक्सेना विश्वक्सेना कथासु कथासु यह 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 विश्वक्सेना कथासु 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 यह। एक लास्ट बार और, ठीक है। विश्वक्सेना कथासु यह कथासु यह। ओके, फर्स्ट पूरी फुल लाइन पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट टू लाइन। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेना कथासु यह। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेना कथासु यह। यस, हरि बोल। अब नेक्स्ट करते हैं नोत्पाद। नोत्पाद येद येद यदि यदि रतिम रतिम नोत्पाद येद यति रतिम नोत्पाद येद यदि 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 रतिम। एक लास्ट टाइम और, नोत्पाद येद यदि रतिम नोत्पाद येद यदि रतिम। अब लास्ट वाली लाइन, श्रम श्रम एव एव हि हि केवलम केवलम श्रम एव हि 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 केवलम। अब लास्ट टू लाइन को एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। नोत्पाद येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम नोत्पाद येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। हरि बोल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नोत्पाद? हाँ, सो नोत्पाद का मतलब है where is notepad? Notepad. No, notepad का मतलब होता है not and does not produce. उत्पाद, जैसे हम बोलते हैं ना उत्पाद, उत्पाद, तो नोत्पाद यानी कि जो नहीं प्रोड्यूस करता। येद यदि यदि इफ है ना, रति का मतलब होता है अट्रैक्शन, येद का मतलब होता है व्हाट इज सॉरी येद का मतलब होता है ये दर्शन उत्पाद येत नॉट डज नॉट प्रोड्यूस एंड यदि का मतलब होता है कि इफ एंड देन रतिम का मतलब होता है अट्रैक्शन। यदि का मतलब यदि होता है, हिंदी में भी यदि बोलते हैं, यदि ये ना हुआ तो यदि वो उत्पाद यानी कि प्रोड्यूस नहीं करता रतिम अट्रैक्शन towards Lord, तो क्या है श्रम एव ही केवलम, तो it's only useless labor, ठीक है। तो एक बार इसको एक बार फुल करते हैं शुरू से। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम्
बोलो बोलो, वन लाइन है, एक लाइन। अच्छा, एक एक लाइन। हाँ, धर्म स्वानुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः, विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पाद्येद यदि रतिम्, नोत्पाद्येद यदि रतिम्, श्रम एव हि केवलम्, श्रम एव हि केवलम्। परफेक्ट। अब हम इसको वंदन करके रिसाइट करेंगे एंड आई वुड यू नो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक इन योर प्रेयर बुक इन श्लोकास को लिख लो सो दैट आप इसको आते जाते पढ़ सकते हो और या कभी अगर आप टेम्पल आओ तो टेम्पल में नहीं छोटी सी बुक्स मिलती है, छोटी सी बुक है, दिस इज कॉल्ड भागवतम रत्नमाला, आई थिंक 60 रुपीज की है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट श्लोकास ही है, इनफैक्ट मैं इसी में से करवा रही हूँ कि वट एवर इज इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर कैंटो फर्स्ट चैप्टर नंबर टू का कौन सा इम्पोर्टेंट श्लोक है, दिस इज फॉर कैंटो 1-6 की बुक है, जो इम्पोर्टेंट श्लोकास है वो इसमें है। ऐसे भगवद गीता की भी मिलती है, बहुत छोटी सी बुक है, भागवतम के श्लोक है। हाँ, इसमें भागवतम के श्लोक है। ऐसे एक भगवद गीता वाले भी मिलती है, वो 20 रुपीज की आती है बुक, उसमें जो भगवद गीता के सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है उसमें भी 2 लेवल्स है, ये मेरे पास वो भी है, ये देखो इतनी इतनी छोटी सी है, इसमें जो भगवद गीता के इम्पोर्टेंट श्लोक है वो लिखे हुए। सो अगर आप इफ यू डोंट वांट टू मेक राइट इट डाउन, या आपको लगता है कि टाइम लगता है, इतना सारा पढ़ाई के साथ साथ इतना टाइम नहीं होता, सो यू कैन बाय दीज दिस बुक लेवल 1 लेना, तो इसमें इसमें 18 चैप्टर के सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक है लेवल 1 में, तो आप वो ही याद कर सकते हो। तो आप जैसे कि आपने याद करा तो उसके बाद यू कैन ऑलवेज रेफर टू द बुक एंड ऑलवेज रिमेम्बर इट, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है ना तभी याद रहता है। तो ये जो छोटी वाली बुक है आई थिंक दिस वॉज ओनली फॉर 20 रुपीज, पर ये भागवतम की 60 रुपीज की है। तो अगे टेम्पल, और ये सारे टेम्पल से मिल जाते हैं, कोई भी टेम्पल में आप इस्कॉन, कोई भी इस्कॉन के टेम्पल से मिल जाएगी, द्वारका, पंजाबी बाग, रोहिणी कहीं से भी, ईस्ट ऑफ कैलाश कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। बट इफ यू डोंट हैव दिस बुक देन यू राइट इट डाउन, क्योंकि जब आप लिखोगे ना उसको बार बार पढ़ोगे तब याद होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द श्लोकास, ठीक है, एंड मेमोराइज इट। ओके जी, आप जी बेटा फोटो फ्रंट जो पेज होता है उसकी फोटो भेजेंगे तो मैं यहां से ले लूंगी। हां, यस यस बेटा, मैं इसको भेज दूंगी पक्का। हां, इसको वहां पे मां से भी मिल जाएगी। यस यस, आई विल सेंड इट। ओके, सो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? जी माता जी, मैं आए। अच्छा, ओके, सो लेट भव्य माता जी गो फर्स्ट, देन श्रेया माता जी, उसके बाद आप कर लेना, इज इट फाइन? हाँ, आपके ना बेटा आवाज नहीं आ रही श्रेया माता जी, एक बार दोबारा बोलो, यू वांट टू गो फर्स्ट? नो माता जी, अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, यस यस, हाँ बेटा बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रही है। हाँ, आप पर थोड़ा सा फोन के पास आओ, फिर बोलो, एक बार आपके आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो बेटा? माता जी थर्ड लाइन श्लोका की थर्ड लाइन। हाँ, यस यस, हाँ, तो ये लिखा है नोत्पाद, नोत्पाद येद, यदि यदि रतिम, तो नो नो का मतलब होता है नो ना, जैसे बोलते हैं नो, है ना? यस माता जी। नोत्पाद एक एक वर्ड होता है, उत्पाद, उत्पादन हिंदी का एक शब्द होता है, उत्पाद करना, कुछ कुछ प्रोड्यूस करना, है ना? जैसे कि फैक्ट्रीज में इसका उत्पाद होता है, तो इसका मतलब है नोत्पाद, यानी कि जो जो प्रोड्यूस नहीं करती, क्या नहीं प्रोड्यूस करती, यदि का मतलब इफ इट डज नॉट प्रोड्यूसेस, हाँ, रति, रति का मतलब होता है अट्रैक्शन, कि हमारे हमें भगवान के प्रति अट्रैक्शन नहीं उत्पन्न करती, तो ये तो फिर वो श्रम एव ही केवलम, श्रम है, यूजलेस लेबर है। यस माता जी, थैंक यू माता जी। ओके भव्य माता जी, गो अहेड। हाँ, यस बेटा, and recited in such a way that all of us will repeat after you. Hi, yes, beta. Sure, start. Dharmaha swanushtitaha pumsam. Dharmaha swanushtitaha pumsam. Vishvaksena kathasu yaha. Vishvaksena kathasu yaha. Notpad yeda yadiratim.
अनुत्पाद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम हरि बोल हरि 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 बोल भव्य माता जी वेरी क्लियरली रिसाइटेड परफेक्टली ईच एंड एवरी वर्ड वॉज वेरी क्लियरली प्रोनाउंस. जब हम श्लोक लर्न करते हैं ना अगर हम शब्दों को क्लियरली इसको प्रोनाउंस करें तो देन वी आर एबल टू रिसाइट दी राइट मीनिंग. अदरवाइज अगर हम उसको गलत प्रोनाउंस करें तो कुछ का कुछ और हो जाता है. वेरी नाइस भव्य माता जी. हाँ जी बेटा. थैंक यू माता जी. माता जी वो मुझे एक लाइन बतानी थी. यस बताओ बेटा. यस यस वो जी ने बताई थी. हाँ वी ऑल आर काओ चर्सी एंड वी ऑल नीड मर्सी. हाँ यस यस एक बार दोबारा बोलो. वी ऑल आर काओ चर्सी एंड वी ऑल नीड मर्सी. ऑल यस वी ऑल नीड मर्सी डेफिनेटली. हम वी ऑल नीड मर्सी. हमें भगवान की मर्सी की बहुत जरूरत है. Because Maya is very strong. Maya is extremely strong. Okay? Mata ji, Maya Krishna ki bhakt hai na? हाँ Maya Krishna ki bhakt hai. और उसको duty मिली है हमें यहाँ पर बंद रख jail के अंदर बंद रखने के लिए. तो she's doing, she's perfect in her job. हमें बंद करके रखती है यहाँ पर अपनी तरफ attract करके रखती है. Mata ji, Maya अच्छी devotee नहीं है. नहीं नहीं she's a very good devotee. उसका जॉब है ना. अब जैसे कोई जेल में जेलर है. अब जेलर का जॉब है ना कि जो जितने भी जेल में जितने भी कैदी आते हैं उनको पकड़ कर रखना है उनसे काम करवाना है. तो माया भी अपना काम ही कर रही है ना. यस माताजी. इसलिए कहते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा क्योंकि जब हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा करते हैं तो माया फिर हमें टच नहीं कर सकती. सो जहाँ कृष्णा तो कृष्णा सूर्यमय माया अंधकार. यानी कृष्णा सूरज के जैसे है और माया अंधकार. सो जहाँ सूरज होता है वहां पर अंधकार नहीं होता ना. और जहां पर सूरज नहीं होता वहां अंधेरा हो जाता है. राइट जहाँ लाइट नहीं होती वहां डार्कनेस होता है. राइट सो इफ वी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा तो माया विल नॉट कम अराउंड अस. ओके ओके सो हु वांट्स टू रिसाइड नेक्स्ट. मुझे कहना है. हाँ यस 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 श्योर श्योर बेटा. मुझे मैं ऑडिबल. हाँ परफेक्ट. नाउ यू ऑडिबल. यस बेटा. हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. हाँ ओके हु वांट्स टू रिसाइड. माता जी आई. हाँ यस अदिति माता जी श्योर श्योर कोई बेटे कोई बेटा. धर्म स्वनुष्ठितम् प्रमुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः. विश्वक्सेन कथासु यः. नोत्पाद्येद यदि रतिम्. नोत्पाद्येद यदि रतिम्. श्रम एव हि केवलम्. श्रम एव हि केवलम्. हरि बोल हरि 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 बोल. अदिति माता जी वेरी क्लियरली रिसाइटेड. ईच एंड एवरी वर्ड वॉज करेक्टली प्रोनाउंस. बहुत स्वीटली रिसाइट करा. ऑल ऑफ यू बिकम रियली परफेक्ट. हरि बोल. आई एम सो हैप्पी. हरि 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 बोल. थैंक यू सो मच. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. नो नो एब्सोल्युटली नॉट. इट इज बिकॉज ऑफ योर एफर्ट दैट यू आर परफेक्ट. हरि बोल. ओके हु वांट्स टू गो नेक्स्ट. रणदीप प्रभु जी आप रिसाइट करना चाहोगे बेटा. माता जी आई विल गो लास्ट. यू विल गो लास्ट. ओके अदिति माता जी आप करोगे. अदर अदिति माता जी उनका डिस्कनेक्ट हो गया. श्रेय माता जी अब आप करोगे. यस माता जी. हाँ ओके श्योर. यू कैन पुट योर हेडसेट ओपन ईयरफोन्स. आज पूरी ईयर का फर्स्ट डे है एंड वी आर लर्निंग श्लोका. सो वी विल प्रे टू कृष्णा दैट हे कृष्णा डियर कृष्णा डियर श्रील प्रभुपाद प्लीज ब्लेस अस सो दैट वी कुड लर्न मोर एंड मोर श्लोकास दिस ईयर एंड प्रोड्यूस रति अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा. सो वट एवर वी डू हम कुछ जो भी कुछ करें वो हमारे को कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन जनरेट कर सके. यस यस यस. धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम्.
धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि यतिम् नोत्पादयेद् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रम एव हि केवलम् हरि बोल हरि 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 बोल श्रेया माता जी वेरी नाइसली रिसाइटेड वेरी क्लियरली रिसाइटेड और बिल्कुल यू नो जैसे सिंगिंग जिसमें प्रॉपरली जैसे श्लोक रिसाइट करते हैं बिल्कुल परफेक्टली रिसाइटेड जस्ट लाइक दैट और जब हम सिंगिंग वे में रिसाइट करते हैं ना तो याद भी बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज हमें सॉन्ग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं ना तो वैसे ही हम श्लोक को जब हम सिंग कर रिसाइट करते हैं ना धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम यू नो ऐसे करके आप हाथ भी मूव कर सकते हो धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेना कथासु यः ठीक है तो ऐसे करके जब हम सिंग करके याद करते हैं ना तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है वो अब आपकी अब आप नहीं आ रही आवाज क्या करो बेटा क्या करो बेटा हाँ नहीं आ रही श्रेय माता जी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आप ही बचे हो आदिति माता जी आदिति माता जी हाँ आदिति माता जी आप रिसाइट करोगे बेटा हाँ यस गो अहेड बेटा गो अहेड माता जी मेरे थोड़ी प्रोनंसिएशन अभी ठीक नहीं होगी कोई बात नहीं कोई बात नहीं इनफैक्ट मेरी तो बहुत ही बेकार है दैट्स ओके वी आर इन वी आर विद डिवोटीज और जब हम इट इज ऑलवेज गुड टू रिसाइट विद डिवोटीज क्योंकि यू नो वी कैन ऑलवेज हेल्प यू धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम् परफेक्ट परफेक्ट रिसाइटेशन था बस एक बार फर्स्ट लाइन को दोबारा बोलना जस्ट सिर्फ फर्स्ट लाइन ठीक है ओके माता जी धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् हाँ सो ये वाला जो शब्द नहीं है नुष्टितः नुष्टितः हाँ नुष्टितः पुंसाम् नुष्टितः पुंसाम् परफेक्ट एक बार दोबारा बोलो फर्स्ट लाइन धर्मः स्वनुष्ठितः नुष्ठित पुंसाम हाँ धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम थैंक यू माताजी हाँ मोस्ट वेलकम नो थैंक यू वेरी वेरी नाइसली रिसाइटेड परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट बिग 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 हरी बोल फॉर यू अदिति माताजी हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल हरी 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 बोल माता जी अब मैं जब नेक्स्ट क्लास अटेंड करूंगी तब मैं साउथ इंडिया में होंगी हाँ हरी बोल दैट्स वेरी नाइस आप फोटोग्राफ पिक्चर्स भेजना वहाँ के दर्शन के ना आप रामेश्वरम जा रहे हो ना रामेश्वरम और बहुत सारी अलग और जगह पर yes, हाँ हम हमारे अगर इफ यू पॉसिबल ना हाँ ग्रुप में ना पिक्चर्स जरूर भेजना वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हमें yes, हमें ऑल आपकी वजह से हमें दर्शन हो जाएंगे ऑनलाइन दर्शन थैंक यू श्योर माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा Okay, Randy Prabhuji, are you ready? Yes, Mataji. Perfect. Go ahead. Dharmah swanishtitah pumsam. Dharmah swanishtitah pumsam. Vishwakasena kash. Kathasu. विश्वक्सेन कथासु यः श्रूयः परफेक्ट विश्वक्सेन कथासु यः
नोट पाद यद यदि रतिम हाँ नोट पाद येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम श्रम एव हि केवलम परफेक्ट रणदीप प्रभु जी. रणदीप प्रभु जी एक बार पूरा श्लोक पढ़ोगे विदाउट स्टॉपिंग? यस माता जी. हाँ एंड आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम. उसकी तह पुम साम विश्व के नसे कष्ट. पहले अच्छा पहले मुझे बताओ आप इंग्लिश से पढ़ रहे हो हिंदी से पढ़ रहे हो? इंग्लिश. इंग्लिश अच्छा ठीक है. तो विश्व सेना, सेना होता है ना आर्मी, विश्व सेना कथा 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 मतलब स्टोरी कथा सुयह ठीक है. उसके बाद है नोत्पाद, नोट नहीं है नोत है, नोत्पाद येद, नोत्पाद येद यदिरत यदिरतिम ठीक है. चलो अब एक बार और पढ़ो. महास्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथा सुयः परफेक्ट यति रतिं श्रमम् एव केहि केवलम् परफेक्ट. हरि 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 बोल रत विद विद रणदीप प्रभु जी. हरि 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 बोल. वेरी वेरी नाइसली रिसाइटेड, परफेक्टली रिसाइटेड. हरि बोल. सो हम जब ना शब्द को ब्रेक कर लेते हैं ना तो वो एक तो बोलने में आसान रहता है और याद करने में भी आसान रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई नो यहाँ पर वो सेना वाला सेन नहीं है बट इट इज इजी टू यू नो रिमेम्बर इफ यू से विश्वक सेन कथा सुयह है ना. ओके परफेक्ट. सो अब इसको एक बार हम एक बार दोबारा से वर्ड मीनिंग के साथ रिलेट करते हैं किसको कैसे याद कर सकते हैं एंड देन वी विल एंड द क्लास. ओके तो धर्म, धर्म का मतलब होता है कि ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी. स्वनिष्ठितः, स्वनिष्ठितः मतलब होता है एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वन पोजीशन. सो धर्म पुंसाम, पुंसाम का मतलब होता है ऑफ ह्यूमन काइंड. तो धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम यानी कि वो एक्टिविटी जो हम अपने अपने पोजिशन के हिसाब से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ स्टूडेंट देन माई धर्म और माई ऑक्यूपेशन इज टू स्टडी. If I am in a grihastha ashram, then my occupation is to take care of the house. If I am working in a job, then my occupation is to do my office work. So dharma swa nishtitah pumsam vishvaksena kathasuyaha. So what is vishvaksena? So vishvaksena ka matlab hota hai the personality of Godhead. Kathasu in message yaha. What is? To vishvaksena yani ki भगवान की कथा. व्हाट इफ यानी कि भगवान की कथा जो है नोत्पाद जो जो प्रोड्यूस नहीं करता है. नोत्पाद येद यदि, यदि वो प्रोड्यूस नहीं करता, उत्पाद नहीं करता, क्या नहीं प्रोड्यूस करता, रति, भगवान के प्रति रति अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करता. श्रम, श्रम एक बहुत कॉमन हिंदी वर्ड यूज करते हैं ना, श्रम, श्रमिक पढ़ा होगा हिंदी में, श्र से श्रमिक आता है ना, मजदूर. हाँ मजदूर. तो श्रम है, श्रम मतलब इट्स लेबर, हार्डलेस लेबर. श्रम ए वही केवलम, केवलम मतलब कि एंटायरली कंप्लीटली है ना. श्रम ए वही केवलम. तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं ठीक है. तो धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेद यदि रतिम, नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, श्रम एव हि केवलम. ठीक है, देखिए बेकार में बस श्रम ही करना है, पसीना निकल रहा है लेकिन कुछ उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा. ठीक है, अंडरस्टूड. सो इट्स अ वेरी नाइस श्लोक. ठीक है, एंड हम इस पिक्चर को याद कर सकते हैं कि इफ एनी वर्क दैट वी डू, इफ वी डोंट कीप कृष्णा इन द सेंटर ऑफ दैट वर्क, देन दैट वर्क इवेंचुअली बिकम्स यूजलेस. यस माताजी.
माताजी, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. हाँ, यस यस बेटा, गो अहेड. माताजी, जब हमारा मतलब जैसे किसी का अंतिम समय होता है, हाँ, तो जब कृष्णा को याद करते हैं तो वो गोलोक जाता है, हाँ, तो माता जी कभी कभी तो कोई रात को उठता है और सुबह नहीं उठता, हाँ, तो माता जी वो कोई रात को सो रहा है, वो डिवोटी है, हाँ, तो उसको क्या पता कि मैं मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तो फिर वो कृष्णा को कैसे याद रखेगा, हाँ, अगर अगर वो नहीं भी याद रखेगा तो सारे उसके पास कीर्तन करेंगे पर रात को तो सब सोते हैं ना, हाँ, तो और कैसे पता कि he is about to die, है ना. So, इस पे भी एक श्लोक, I'll research that श्लोक. Basically, Krishna says, for my devotee, if my devotee is not able to remember me at the time of death, then I will come and remember him. I will make him remember him. तो कोई नींद में अगर अगर कोई सो रहा है और भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, याद नहीं कर पा रहा, तो भगवान स्वयं उसकी नींद में सपने में आएंगे और उसको अपनी याद दिलाएंगे, एंड देन ही कैन लीव द बॉडी. सो भगवान खुद बोलते हैं, यू नो, कि इफ माय डिवोटी इज नॉट एबल टू रिमेम्बर, देन आई विल मेक हिम रिमेम्बर. मतलब माता जी, जिस दिन भगवान जी के, मतलब वो लास्ट. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. भगवान जी सपने में तो वैसे भी आते रहते हैं, क्योंकि गॉड वांट्स कि वी शुड हैव, वी शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, तभी भगवान यहाँ जन्म भी बार बार लेते हैं. तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युताना धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम. तो उसमें कि मैं हर युग में आता हूँ, जब कब आता हूँ, जब अधर्म बढ़ने लगता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ. तो उसके बाद क्या करने के लिए आता हूँ, परित्राणाय साधु नाम. सबसे पहले बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय दुष्कृताम, यानी कि सबसे पहले साधुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, तीन चीजों के लिए आते हैं सबसे पहले. लेकिन इन सब में से सबसे पहले भक्तों का नाम आ रहा है. भगवान ये भी बोल सकते कि दुष्टों का विनाश करने के लिए आ रहा हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहा हूँ और साधुओं की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ. भगवान ये नहीं बोलते, सबसे पहले बोलते हैं कि परित्राणाय साधु नाम, यानी कि जो भगवान आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और वापस जा सके. तो हमारे सपने में अगर भगवान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लास्ट टाइम है, इसका मतलब ये है कि भगवान हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमारे सपने में आ रहे हैं. यस माता जी, पर मेरे सपने में नहीं आए कभी, आपके सपने में आए? मेरे में भी नहीं आए, मेरे में भी नहीं आए, कोई बात नहीं, दैट्स ओके. और माता जी, हाँ जी बेटा, सपने में कृष्ण आते हैं तो वो हमें बताता नहीं है ना, हाँ, कि वो सोचता है फिर कब आएंगे. हाँ जी बेटा, हरे कृष्ण माता जी. हाँ जी हाँ जी, मैं मतलब कि मैं स्कॉन से जुड़ी थी रिसेंट, मतलब उसके आफ्टर 1-2 इयर्स, मैंने मतलब कि जो हमारे घर में लड़की गोपाल है उनको सपने में देखा, और मैंने देखा कि मैं उनसे शादी कर रही हूँ. ओह, सो स्वीट, सो स्वीट. मेरे लड़की गोपाल मैं फिर जब भी मुझसे कोई ऐसे हरी बोल हरी बोल. यस अनन्या माता जी, सॉरी, से दैट अगेन बेटा. ओ हरी बोल, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हरी बोल, बहुत सुंदर है अनन्या. यस माता जी, आप क्रोशे दी, वेरी नाइस, दैट यू आर एन एक्सपर्ट. हरी हरी बोल, और वेरी वेरी क्रिएटिव, कितना सुंदर लग रहा है, आपने क्रोशिया से बनाया है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है अनन्या माता जी, बहुत वेरी ब्यूटीफुल. So, आपको पता है कृष्णा जब स्कूल गए थे ना, तो कृष्णा ने स्कूल में 64 स्किल्स सीखे थे, कलाएं सीखी थी, स्किल्स. तो यू नो ऑल दीज थिंग्स दैट वी लर्न, क्रोशिया या हम कुछ बुनना या हम कढ़ाई सीखते हैं, तो दीज आर स्किल्स, और यू नो बहुत जरूरी होती है, मतलब जरूरी इन द सेंस इट हेल्प्स इन आवर डेवलपमेंट, तो बहुत अच्छे होते हैं, इट्स वेरी नाइस. हरी हरी बोल, वेरी. और इसमें ना ऑक्टोपस, इसमें दो आईज भी है ना, है ना अनन्या माता जी? Yes, I can see eyes and a smile also. That's so sweet. And it is actually an octopus, है ना? मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है. हाँ, yes, yes. बोलो बेटा, yes, go ahead. Yes, बताओ.
माताजी आप हमेशा कहते हैं कि हमें कृष्ण जी को याद रखना चाहिए, तो हमें किस सेंस में याद रखना चाहिए? मतलब हमें उनकी फोटो विजुलाइज करनी है या फिर हरे कृष्णा हमेशा चैंट करते रहना है? हाँ, सो वेरी नाइस क्वेश्चन अदिति माता जी, क्योंकि जब हम बोलते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी फोटो हमेशा हर काम से आगे, बुक के आगे भी फोटो रख लो, यू नो, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग वर्क, आई हैव अ 9-hour, 10-hour जॉब ऑफिस में, तो मैं ये नहीं है कि हमेशा कृष्णा को देख, बट वॉट आई डू इज कि वेन आई स्टार्ट माई वर्क, आई से दैट कृष्णा आई एम लॉगिंग इन, मैं लॉग इन करने जा रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, एंड आई वॉन्ट टू ऑफर माई टूडेज वर्क टू यू, and then you can offer that work. Or jahan jahan ho sake wahan, if you can listen to kirtan, or if you can, you know, jaise beech beech mein bhi agar aap hare krishna bol sakte hain, hare krishna, it helps me a lot. Kabhi kabhi kya hota hai, jaise ki hum kuch kaam karte hain, then you're waiting ya kuch kisi cheez ka intezar kar rahe hote ho, to aap kya karte ho jab free hote ho, kuch bhi nahi karte ho, to us samay aap you can do man mein chant kar sakte ho, hare krishna, hare ram, ram ram. Main to bahut zyada karti hu. जैसे पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था, कुछ भी, किसी चीज का वेट कर रही हूँ, जैसे लैपटॉप में कुछ अपलोड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है जिसमें यू नॉट डूइंग एनीथिंग, आपको बस वेट करना है, इंतजार करना है, तो आप चैंट कर सकते हो. सो मन में चैंट कर सकते हो, यू नो, सो दैट वे यू कैन ऑलवेज रिमेंबर. एंड इट इज वेरी ऑस्पिशियस. इनफैक्ट जितने भी डिवोटीज होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा महामंत्र ऑलवेज. माता जी, अगर हम पढ़ाई भी करने जा रहे हैं, तो हमें उससे पहले ऑफर दे कि हमें पढ़ाई करनी है और मैं अभी स्कूल जा रही हूं, हमारा मन नहीं भटकेगा और हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई में रहेगा और कृष्णा हमारी हेल्प करेंगे पढ़ने में. यस, सो सुबह जब हम लॉग इन करते हैं स्कूल के लिए, जब क्लासेस के लॉग इन करते हैं, प्रे कर सकते हैं, कृष्णा आई एम अबाउट टू लॉग इन एंड आई वॉन्ट टू ऑफर माई टूडेज वर्क टू यू, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आप काम भी करोगे ना, तो 100% करोगे कि मैं ये काम मेरे को भगवान को ऑफर करना है, तो मुझे सबसे अच्छा काम करना है, अच्छे से अटेंटिवली क्लास अटेंड करनी है, अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करना है, यू नो. और एंड इफ इट बी वेरी नाइस अगर आप सुबह नहाकर नहाने के बाद एक माला कर सको, और नहाने से पहले भी कर सकते हो, सुबह उठने के बाद इफ यू कैन डू वन माला, जस्ट सिर्फ वन माला से ना बहुत फर्क पड़ता है, सिर्फ वन माला, मतलब इट टेक्स 10 मिनट. And I know it is sometimes it is not normal when we see ki hamare aas pass koi bhi nahi kar raha hai, and then you and Maya is like very strong. Usi samay bhook lagegi, usi samay bahut tasty khane ka khayal aayega, usi samay koi cartoon ka khayal aayega, uske mein khayal aayega acha mujhe ye padhai karna hai, mujhe homework karna hai, ye kar leti hu. Bahut sare Maya will give you a lot of ideas in the brain, so that we don't do that mala. Ye bado ke sath bhi hota hai, par agar possible hai subah, if you can do just one mala before you start your day, then that will be wonderful. But it's amazing. बहुत फर्क पड़ता है. Experience करके देखो, सिर्फ मेरे लिए एक बार करके देखो. Just because I'm saying एक बार करके देखो. हाँ जी. मैं आके रोज करती हूँ one round. हाँ, yes, one round जरूर. रणदीप प्रभु जी आप करते हो ना? वैसे तो दिन में कभी भी कर सकते हो. हरे कृष्णा अदिति माता जी, ओ हरे हरे बोल, राधा वंशीधर की जय. वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस माता जी, ये वाली जो ये शॉल है ना, ये मम्मा ने बनाई है. हाँ, वेरी नाइस. हरी 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 बोल, वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, ये क्या बीच में अदिति माता जी? भगवान जी का फोन. ओ, फोन है. ओ, सो स्वीट. हरी बोल, भगवान जी के पास फोन आ गया. अरे 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 बोल, तो भगवान को कभी भी कॉल कर सकते हैं. माता जी, राधा वंशीधर का न्यू ईयर गिफ्ट है. ओह, सो स्वीट, वेरी नाइस. हरी बोल. सो माता जी. हाँ जी बेटा. माता जी, वो आज आपने वो स्टेटस लगाया था ना, हाँ, वो नो नो प्रभु इसका मतलब है कि जब हम शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ेंगे, तो हम शिला प्रभुपाद को जानेंगे. अगर हम शिला प्रभुपाद की बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, तो शिला प्रभुपाद को नहीं जान पाएंगे, है ना? Okay. इसलिए. और हम श्रीमद भागवतम पढ़ रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ रहे हैं. यस माता जी, मतलब पहले हम जानते नहीं थे कि वो कौन है, बट अब पता चल रहा है, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अंदर से. हाँ, अगर आप उनकी लाइफ की स्टोरी सुनोगे, तो भी इट्स अमेजिंग. इतने मिरेकल्स हैं उनके साथ, इतने सारे, मतलब इतनी सारी चीजें, ही जस्ट
दो हार्ट अटैक भी आए थे, फिर भी वो हमारे लिए गए थे, उनके पास सिर्फ 40 रुपीज ही थे और फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। माता जी वो रात को 2-2, 1-1 बजे उठते थे भगवत गीता लिखने के लिए, लेकिन हमें तो भगवत गीता पढ़ते ही नहीं है। डोंट वरी, वी विल स्टडी। अगर हम भक्तों के साथ, क्योंकि माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम भक्तों के साथ करते हैं ना तो एवरीथिंग बिकम्स इजी, क्योंकि यू नो एवरीबॉडी इज हेल्पिंग यू। लेकिन हम डिवोटी के साथ नहीं करते तो मुश्किल लगता है, तब माया ना बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो कहती है कि स्टॉप, मत पढ़ो बुक। एक जोक था कि सबसे अच्छा नींद की गोली क्या है, बुक है, बुक खोलो तो नींद आ जाती है, एनेस्थीसिया है ना। सो लाइक दैट। माता जी श्रीला प्रभुपाद बहुत प्राउड होंगी कि मैंने जो मेहनत की है वो सफल हुई। हाँ, यस यस। और उनके हिसाब से ऑल द चिल्ड्रन आर वैकुंठ चिल्ड्रन, सो ऑल ऑफ यू आर सो लकी कि आप लोग इतनी जल्दी भक्ति में जुड़े हो। एंड उनके डिजायर ये था कि सब लोग, जब अगर सब लोग गॉड कॉन्शियस हो जाए, यानी भगवान कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, भगवान कॉन्शियस हो जाए, तो जितनी भी प्रॉब्लम है ना वर्ल्ड में वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर सेल्फ सेंटर्ड के बजाय दे विल बी गॉड सेंटर्ड। तो व्हेन वी आर गॉड सेंटर्ड तो हम वी विल बी अ गुड सोसाइटी, गुड पीपल ऑल टुगेदर। माता जी पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड कब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएगा? सो लेट्स प्रे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्शन करी थी कि जो कलयुग के पहले के 10,000 साल है, दैट विल बी द गोल्डन एज ऑफ कलयुग, यानी जिस जो ये 10,000 साल में जिसने भगवान का नाम ले लिया, ही विल बी एबल टू गो बैक। इस 10,000 साल के बाद सिचुएशंस विल बी वेरी बैड, पीपल विल नॉट टेक, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा एथिज्म बढ़ जाएगा, और अभी भी बहुत ज्यादा एथिज्म है, मतलब मैं ऑफिस में देखती हूँ, अभी तो आप लोग स्कूल में इतना रियलाइज नहीं करोगे, पर बाहर जाकर एथिज्म का मतलब है कि नास्तिक जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, अभी भी बहुत है, पर ये अभी 10,000 साल गोल्डन एज है, इस समय भक्ति बहुत फैलेगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी तरफ से हम जितना ज्यादा हम भक्ति को स्प्रेड कर सके, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जैसे हमने उस दिन करी थी, जैसे आप लोग थे ना, आदित्य माता जी, श्रेया माता जी, तो हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमने फ्री में ही दी, लेकिन इट वाज इम्पोर्टेंट कि जिसके पास गई वो ये व्हेन द पर्सन रीड्स दैट बुक, उसके लिए इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग मॉड्यूल। हाँ जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिर्फ क्या हम गीता मैराथन में ही कर सकते हैं? नहीं, पूरे साल कर सकते हैं, पर स्पेशली हम गीता मैराथन इसलिए करते हैं क्योंकि इसी टाइम पर भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी भगवद गीता, लेकिन पूरे साल कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। सो विल एंड द क्लास नाउ, 8 बज गए, आई डिडंट रियलाइज, एंड सो आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट, आई मीन मैं इसकी फोटो, बुक की फोटो खींचकर भेज दूंगी, और अगर हम नोटबुक बुक नहीं ले पा रहे तो नोटबुक जरूर बनाना, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज दिस श्लोक। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ, यस यस, टुमारो यू कैन डू कीर्तन, एंड आई टुमारो वी हैव अ स्पेशल क्लास, कोई हमारा भागवतम लेसन नहीं है, टुमारो वी विल ओनली हैव गेम्स एंड एक्टिविटीज, न्यू ईयर स्पेशल क्लास। और माता जी वो वाला बोल हरी बोल, हाँ हाँ हाँ, बोल हरी बोल पर कर सकते हो, डेफिनेटली। माता जी वो किसने गाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। उनका नाम है, बहुत अच्छे से प्रभु जी, उनका नाम है, नहीं माता जी वो है गुरु परंपरा में जो है, अच्छा जिन्होंने लिखा है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर। यस माता, हाँ हाँ, यस। Okay, so we'll end the class now and we'll meet tomorrow at 11 o'clock. Yes, Mataji. Mataji, have a Gauranga night. Have a Gauranga night. Hare Krishna. Hare Krishna, Shri Mataji. Yeah, thank you. Hare Krishna, Aditi Mataji. Hare Krishna, Mataji. New Year calendar. Hare, Hare Bol, Aditi Mataji. Very beautiful, very nice darshan. Hare Bol. Thank you so much, Mataji, for the calendar gift. No, most welcome. You're most welcome, Shri Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Nandi Prabhuji. Hare Hare, Shri Shri Radha Madhav ki Desai. Mataji, Mataji, I have a question. Haan ji, beta. Yes, yes, go ahead. This is about calendar gift. माता जी फर्स्ट पेज पे इसके क्या मतलब, ये क्या है माता जी? क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एकादशी की डेट लिखी होगी शायद, ठीक
अहमदाबाद बेंगलोर भुवनेश्वर हाँ सो हर स्टेट में ना एकादशी की डेट डिफरेंट होती है. सो आप कहाँ दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली वाली डेट देखो. हर हर स्टेट में ना एकादशी अलग दिन को आती है. स्पेशली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एकादशी की डेट में फर्क है. ठीक है जैसे अभी. हाँ जी बेटा. माता जी मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है. हाँ यस बेटा. वो माता जी इतने मैं पूछूं. हाँ यस अदिति माता जी. गो अहेड यस. माता जी मेरी दादी बोलती है कि एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए. इसके पीछे कोई रीजन है क्या? हाँ यस. इनफैक्ट एकादशी को अन्य ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए और पीस जैसे आप लोग वो करते हो नवरात्रि के फास्ट करते हो. यस माताजी. हाँ तो नवरात्रों के फास्ट में हम क्या करते हैं, हम अन्न नहीं खाते ना, ग्रेन्स नहीं खाते और मटर ये सब चीजें नहीं खाते. तो एकादशी का फास्ट भी एग्जैक्टली सेम होता है नवरात्रि जैसा होता है. एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. सो देयर मेनी स्टोरी मतलब द टू सो बट वन ऑफ द स्टोरी इज की जब कलयुग आ रहा था, जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को रोका, तो कलयुग ने बोला कि मेरा तो आने का टाइम आ चुका है, आप मुझे रोक नहीं सकते. तो कलयुग तो परीक्षित महाराज ने बोला कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कलयुग नहीं आएगा. तो फिर कलयुग ने बोला ठीक है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे जगह दे दीजिए रहने के लिए कि जहां मैं रह सकता हूँ. सो उन्होंने बोला ठीक है तो आप रह सकते हो. तो परीक्षित महाराज ने सोच कर बोला कि आप चार जगह में रह सकते हो. कौन सी चार जगह में? पहली वो जगह में जहां पर मीट ईटिंग होती है, यानी कि जहां पर लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं. सेकंड जहां पर इंटॉक्सिकेशन होती है, यानी कि जहां पर लोग नशा करते हैं. थर्डली जहां पर गैम्बलिंग होती है, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं. और फोर्थली जहां पर यू नो रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. और तो फिर कलयुग ने बोला कि परीक्षित महाराज आपके जो राज्य में है ये चारों चीजें होती नहीं है, तो मेरे को तो रहने की कोई और जगह दो दीजिए. सो फिर उन्होंने बोला अच्छा आप सोने में रह सकते हो. तो ही सेड नहीं, मुझे कुछ और जगह दीजिए. देन ही सेड कि ठीक है आप हर महीने के 11वें दिन यानी एकादशी वाले दिन आप अन्न में जाकर रह सकते हो, अन्न में और अन्न मतलब कि ग्रेन्स में जाकर रह सकते हो. तो कहा जाता है कि एकादशी के अंदर, एकादशी के दिन जो ग्रेन्स होते हैं, अन्न होता है, उसके अंदर कलयुग का प्रभाव होता है. तो अगर हम एकादशी वाले दिन ग्रेन्स खाते तो हमारे कलयुग के जो लक्षण होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं हमारे अंदर. हम बेसिकली वी ईटिंग कलयुग के बुरे लक्षण. और हमने एक श्लोका में कलयुग के लक्षण पढ़े थे ना कि कलयुग के लक्षण क्या होते हैं, कि वी आर अनलक्की, ऑलवेज डिस्टर्ब, यू नो फॉरगेटफुल, यू नो सो प्राण अल्प युष सभ्य, है ना. तो वो सारे लक्षण बढ़ जाते हैं. तो इसलिए एकादशी वाले दिन और महीने में दो बार आती है एकादशी, ऑन द 11th डे, सो हर 15 दिन के बाद एक बार आती है एकादशी. हमें ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए, हमें बिल्कुल वैसा फास्टिंग करनी चाहिए जैसे हम नवरात्रों में फास्टिंग करते हैं. यानी कि हम आलू खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, दूध का पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, मतलब ऑल दोस थिंग्स. जैसे हम नवरात्र को कुट्टू का खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, पर वो अन्न नहीं खाते. माता जी कैन वी यूज टमेटोज? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे नवरात्रि के करते हैं बिल्कुल वैसे. टमाटर खा सकते हो, गाजर खा सकते हो. एक्चुअली कुछ माता जी से बहुत सुशीला प्रभुपाद से इसके आप खा सकते हो. ये एकादशी को भी फॉलो करने के बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे कि जो गौड़िया मठ वाले होते हैं ना, वो गाजर और टमाटर नहीं खाते, लेकिन सुशीला प्रभुपाद ने अलाउ करा है. तो हमें क्योंकि हमारे गुरु में महाराज ने अलाउ करा है तो हम खा सकते हैं. एग्जैक्टली वैसा जैसे नवरात्र के फास्टिंग होते हैं वैसा आप पा सकते हो. गाजर खा सकते हो, वो क्या कहते हैं, टमाटर खा सकते हो, बहुत सारी चीज खा सकते हो. माता जी. हाँ जी बेटा. माता जी मेरी उम्र कहती है कि छोटे बच्चे व्रत नहीं रखते ज्यादा, तो माता जी मतलब मैं थोड़ी छोटी हूँ ना, तो मतलब माता जी हमारे बोला था कि मतलब एकादशी को फास्ट नहीं करना मुझे. आप कहा देखो, इफ योर मम्मा इज सेइंग तो आप अभी मत रखो, पर ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चे भी रख सकते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि फास्टिंग में आपको कुछ खाना नहीं है, आपको खाना है बट आपको सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाना. इस वजह से मम्मा तो रखती हैं, तो मैं मम्मा को ये बताऊंगी तो आई थिंक मम्मा भी अलाउ करेंगी. तो मतलब हम लोग कोई भी खा सकते हैं, मतलब जी कोई ग्रीन नहीं खाना, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल. आपने कभी नवरात्रों का श्रास रखा होगा तो कुछ भी खा सकते हो, आलू खा सकते हो, आप गाजर का हलवा खा सकते हो बनाकर खा सकते हो, आलू के पकौड़े खा सकते हो, पनीर की सब्जी बनाकर खा सकते हो, पूरी खा सकते हो. यू कैन ईट, बस सिर्फ पूरी वो वाली उसकी
सिंघाड़े के आटे की और उस कुट्टू के आटे की बहुत अच्छी पूरी बनती है, रोटी भी बनती है। मतलब यू कैन, अगर आप मंदिर में जाओ ना, एकादशी का प्रसादम नॉर्मल प्रसादम से बहुत ज्यादा होता है वहां पर। वो जो स्मॉग के चावल का पुलाव होता है, और वो होता है ना क्या कहते हैं व्हाइट व्हाइट को, क्या बोलते हैं उसको, जो व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी, हाँ साबुदाना, साबुदाने की खीर होती है, साबुदाना का पुलाव होता है। मतलब बहुत कुछ खा सकते हैं, बस ये कि अन्न नहीं खाना चाहिए। चावल दाल और रोटी, मतलब जो रोटी, हाँ चावल और रोटी मटर ये सब चीजें नहीं खाने चाहिए। हाँ ओके माता जी, थैंक यू माता जी, वेलकम। ओके माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। सो वी विल एंड द क्लास टुडे। ओके ओके माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, गौरा, हैव अ गौरांगा नाइट, हरे कृष्णा कृष्णा।